नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद कई राज्यों ने स्कूल और कॉलेजों को बंद करा दिया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद अब 1 से 8वीं तक के बच्चों को जो स्कूल ऑफलाइन लग रही थी, अब उसको ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया चल रही है। आज राज्य मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार सीएम से बैठक करेंगे। उसमें निर्णय लिए जाएंगे कि आगे की रणनीति किस प्रकार से बनानी है, किस प्रकार से ऑनलाइन कक्षा का संचालन कराना है। देखिए आप ये रिपोर्ट। इस संबंध में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। चर्चा है कि बैठक के बाद 1 से 8 तक की कक्षाओं को बंद कर दिया जाएगा। मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि कोरोना के केसों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में तेजी से हो रही वृद्धि का असर बच्चों पर ना हो और उनकी मुश्किलें ना बढ़े, इस मामले में तैयारियां शुरू की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 से 8वीं तक की परीक्षा के लिए ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल में 50 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में अभिभावकों का कहना है कि 1 से 8वीं तक के कक्षा के बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद अभिभावक प्रदेश भर में ऑनलाइन कक्षा संचालित करने की मांग कर रहे हैं। कई निजी स्कूलों में सोमवार से बच्चों के आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अभिभावकों का कहना है कि अभी बच्चों में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। राजधानी भोपाल सहित इंदौर और अन्य जिलों में तेजी से मामलों में तेजी देखी जा रही है। अब तक 3 दिन के भीतर 100 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में राजधानी भोपाल में 28 बच्चों के संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं देश के अन्य राज्य की बात करें तो कई राज्यों ने तीसरी लहर की रफ्तार को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है। अब इस मामले में सोमवार को यानी कि आज सीएम शिवराज के साथ बैठक कर स्कूल शिक्षा मंत्री बड़ा निर्णय ले सकते हैं।